तो वहीं अलीगढ़ के विधानसभा इकलास के कस्बे में एसडीएम ने आबकारी टीम के साथ मिलकर देहात क्षेत्र में शराब के ठेकों पर गहन जांच पड़ताल की है। आपको बता दें कि शराब के ठेकों पर नकली शराब और मानक संबंधित कार्यों को देखने के लिए लगातार एसडीएम भावना विमल अलर्ट नजर आ रही है। इसके साथ ही यही कारण है कि उन्होंने शराब के ठेकों पर बारीकी से जांच पड़ताल की है, साथ ही ठेका संचालकों को कड़ी हिदायत भी दी जा रही है। तो अलीगढ़ का ही पूरा मामला आपको बता दें जहां एक्शन में एसडीएम है। दरअसल नकली शराब की बिक्री पर एक्शन लिया जा रहा है, शराब के ठेकों की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। एसडीएम के साथ आबकारी टीम भी मौजूद रही। इसके साथ ही एसडीएम ने ठेका संचालकों को कड़ी हिदायत भी दी है, ठेके के बाहर शराब पिलाने पर कार्रवाई होगी, ये कहा गया है। एसडीएम की हिदायत से दुकान संचालकों में हड़कंप भी मचा है। आज मेरे द्वारा एक्साइज इंस्पेक्टर के साथ ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया जा रहा है शराब की दुकानों का, शराब और बियर की दुकानों का। उन पे विभिन्न जो व्यवस्थाएं हैं उन सबको चेक कर रहे हैं, जैसे स्टॉक रजिस्टर हुआ, सीसीटीवी हुआ, लाइसेंस हुआ एवं अन्य चीज़ों को लेकर, ओवर रेटिंग वगैरह, कोई जो है मिलावट तो नहीं है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर उनको आगाह भी किया जा रहा है। अगर कोई अनियमितता मिल रही है तो उनके जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। मैम, जैसे बाहर शराब पीने वालों के लिए किस तरह की हिदायत वगैरह दी गई है? उसमें यही है कि सारी अपनी कानून व्यवस्था को देखते हुए कोई भी सार्वजनिक जगह पर जो है शराब ना पिलाए। अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है या कोई पीता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ तुरंत जो है कार्रवाई की जाती है।